ओके तो हम आज करेंगे क्या, हम लोग वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफ्रैक्शन। ठीक है, आपने काफ़ी सुना है ये इस वर्ड को, और हम आज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो और जो आपके कोर्स में बेसिकली एक तो फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन है सिंगल स्लिट स्लिट में, सिंगल स्लिट से अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है तो, और फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी है, यानी कि एक डिवाइस है जिसमें कि बहुत सारी स्लिट्स होती हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स, तो उनसे जो डिफ्रैक्शन होता है उसको भी देखेंगे। ओके, वो बाद में आएगा, इसके बाद करेंगे उसको। पहले हम एक स्लिट से डिफ्रैक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, और हम इन पर्टिकुलर फ्राउनहोफर का हवाला करेंगे, जिसमें कि जो लाइट रेज आएंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के डिफ्रैक्शन को फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। अदरवाइज एक और भी है जो कि थोड़ा सा टफ है, फ्रेनेल का है, और वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन करते हैं आज। इस पे 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है लास्ट सेम में, और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन था, और कई बच्चों ने किया था उसको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, बाय द वे ये टॉपिक आपके 12th क्लास में भी था, जैसे कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था 12th में वेव ऑप्टिक्स में, और डिफ्रैक्शन भी था, और एक और टॉपिक था आपका पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये वही डिफ्रैक्शन है, दोबारा से करने जा रहे हैं, पर इस बार हम जरा मैथ्स इसकी करेंगे ढंग से, और आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कि यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है और ये होता क्या है? तो पहला केस हम देखते हैं, पहला केस यानी कि 9th क्लास तक आपको पढ़ाया गया है कि लाइट रे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, आपको यही होते हुए दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप 9th क्लास से 10th 11th और फिर 12th में आते हैं, 12th क्लास में आपको बोला जाता है कि ये केवल रे ऑप्टिक्स ही नहीं है, एक और चीज़ भी है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, और इस ऑप्टिक्स में लाइट की उम्र बढ़ी हो गई है, अब वो 9th क्लास में नहीं है, वो 12th क्लास में है लाइट, तो लाइट अब मुड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप जब तक 9th क्लास में थे, आप अपने घर वालों की टीचर्स की सारी बात मानते थे, तो आप रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता था आपको, फिर आप 12th क्लास में आते हैं और आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, और आप जहाँ चाहते हैं घूमते हैं मुड़ते हैं, वैसे ही लाइट भी बड़ी हो गई है, और अब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं 12th में, जहाँ की लाइट मुड़ेगी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ पर पॉइंट आप समझ गए हैं। तो हम वेव ऑप्टिक्स में लाइट को मुड़ते हुए देखते हैं, बेंड होते हुए देखते हैं। ठीक है, ओके, तो कह रहे हैं कि इफ ए प्लेन वेव मीट्स अ बैरियर कंटेनिंग एन ओपनिंग हुज साइज इज लार्ज रिलेटिव टू द वेवलेंथ। देखिए ये पहला वाला केस देखिए, यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इसमें वेवलेंथ आपको कैसे दिखेगी, तो ये वेव फ्रंट्स हैं आपके, एक तरीके से उसने वेव फ्रंट भी क्या बोलिए, उसने इसको क्रस्ट और ट्रफ्स दिखाए हुए हैं, तो ये वेव ऐसे चल रही हैं। ठीक है, ये ऐसे से कुछ वो आपसे कहना चाह रहा है, तो अगर वेव, अच्छा वेवलेंथ होती कितनी है, तो किसी वेव की वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जो सेम फेज में हो और सेम एम्पलीट्यूड पे हो, उनकी दूरी निकाल देते हैं, तो ये वेवलेंथ है आपकी, राइट। तो इसमें वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है, वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस वेवलेंथ को, ये जो लैम्डा है आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये आप मान लीजिए यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ठीक है,
या आप इतनी दूरी को भी एक वेवलेंथ मान सकते हैं, अगर आप मान रहे हैं कि ये वेव यहीं पे इतनी हो चुकी है, ठीक है, कुछ भी मानिए। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ओपनिंग का, यानी कि जो इस वेव के रास्ते में जो रुकावट थी उसमें जो इस एक स्लिट बनी हुई है उसका डिस्टेंस डी इतना बड़ा है, इसके मुकाबले में आपकी वेवलेंथ जो है वो इतनी बड़ी है, राइट। तो वेवलेंथ इस डी के मुकाबले में वेवलेंथ को अगर आप बनाएं तो केवल इतनी छोटी सी है वेवलेंथ, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, या इसकी बात कर रहा हूँ जिसको भी आप मान लें। तो यहाँ पे डी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है लैम्डा से, किस लैम्डा से, जो लाइट आ रही है, ठीक है। तो अगर जो स्लिट है, स्लिट की जो विड्थ है ये, ठीक है, ये अगर लैम्डा से बहुत बड़ी है तो लैम्डा ऐसे ट्रेवल करेगी जैसे कि ये रुकावट है ही नहीं इस पोर्शन में, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ तो रे ऑप्टिक्स चलेगा, ठीक है, इसको आप रे मान के, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन बोल के चला सकते हैं। ओके, एक मिनट होल्ड किया। तो ओके, तो हमारे पास ओके यहाँ पे है ना, ठीक है। तो अब दूसरा केस देखते हैं जहाँ की लैम्डा और डी दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। तो देखिए ओपनिंग उसने छोटी कर दी है, ठीक है, और अगर ये आपकी एक लैम्डा है, और यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो लैम्डा आपको दिख रही है, अगर वेव यहाँ से यूं करके जा रही है तो लैम्डा इस बार इतनी ही बड़ी है, ठीक है, यानी ये इस वाले केस को मान रहा है कि ये दो ब्लू लाइंस के बीच में ही आपकी फुल लैम्डा है, ऐसे मान रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा, ये जो लैम्डा की आपकी डिस्टेंस है ये, और ये जो डी की डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो जब ये केस होगा तो ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है, ये लाइट स्ट्रेट तो जाएगी ही लेकिन स्प्रेड आउट भी होगी, ठीक है। तो जब स्प्रेडिंग आउट होती है लाइट की स्ट्रेट पाथ के अलावा, तो स्प्रेडिंग आउट हो रही है, इसको हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन शुरू हो गया, यानी लाइट मुड़ गई, बेंड हो गई, सीधी पाथ से बेंड होके दूसरी तरफ भी जा रही है। अच्छा, अगर लैम्डा तो मेरी अभी भी यही है, ठीक है, और मैं स्लिट को और छोटा कर दूं, यानी डी मेरा बहुत छोटा हो गया है, अगर ये केस हो जाता है फिर क्या हो रहा है? तो देखिए फिर हुआ क्या है, तो इस डिफ्रेक्शन के मुकाबले, यानी कि जिस एंगल तक ये लाइट मुड़ रही थी, ठीक है, इस थीटा एंगल तक मुड़ रही थी, बेंड हो रही थी स्ट्रेट पाथ से, यहाँ ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि हर एंगल पे जा रही है अभी, ठीक है, यानी कि स्प्रेडिंग आउट ज्यादा हो गई, यानी कि डिफ्रेक्शन वुड बी मोर, तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, डिफ्रेक्शन भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने लैम्डा को बड़ा कर दिया है स्लिट की विड्थ के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा एक्चुअली में अभी मैं थोड़ा आगे चलेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताने लग जाऊंगा तो सारी बातें यहीं पे हो जाएंगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है पर मुझे विश्वास है कि आपको आ जाएगा। तो ठीक है, हमने अभी तक केवल क्या बात की है? हमने केवल ये देखा है कि लैम्डा और डी का रिलेशन डिसाइड करेगा कि डिफ्रैक्शन कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा या ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो हुआ ही नहीं, यहाँ हुआ लेकिन कम हुआ, और यहाँ बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन हुआ। बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? कि लाइट बहुत ज़्यादा बेंड हो गई, सब तरफ चली गई, ठीक है, इधर भी जा रही है ये। क्यों? क्योंकि देखिए ये वेव फ्रंट अगर बना रहा है वो, तो आपको पता है कि हम रे कैसे निकालते हैं। फिर तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये वेव फ्रंट है तो इस पे 90 डिग्री पे लाइन खींचिए, ये आपकी लाइट की जाने की या लाइट रे की जाने का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे जा रही है, यहाँ पे खींचेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यानी कि लाइट आई इधर से है, जा किधर रही है, इधर और इधर भी, ठीक है। तो ये जो वेव फ्रंट वो दिखा रहा है
इनका मतलब क्या है कि इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो ये कमाल की चीज हो रही है कि आप कह रहे हैं कि जी लाइट इधर जा रही थी और आपने एक स्लिट दिखाई यहाँ पे, रास्ता बंद किया सारा, और एक छोटा सा रास्ता खोला तो इसने किया क्या, ये इधर जाने लग गई, सीधे तो गई गई और इधर भी जाने लग गई। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी चीज हो रही है, लेकिन ये ऐसी भी चीज नहीं है जो आज तक आपने देखी ही ना हो। आप करिए क्या, आप एक जमीन पे एक मिट्टी जमा करके एक छोटी सी यहाँ दीवार बनाइए, यहाँ पे भी दीवार बनाइए, और एक बाल्टी पानी यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, क्या होगा, पानी आगे जाएगा, यहाँ का रुक गया, यहाँ का तो रुक गया, यहाँ से तो जाएगा नहीं, लेकिन इस छेद से जो पानी आगे निकलता है वो कहाँ जाता है, सब तरफ फैल जाता है। और आप ये करके देख सकते हैं, अगर आप इस छेद को बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस रुकावट को बड़ा रखेंगे, स्लिट की ओपनिंग ज़्यादा रखेंगे और यहाँ से पानी डाल दिया आपने बाल्टी से, तो वो पानी ज़्यादातर सीधा ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर इधर जाएगा, पर ज़्यादातर वो कहाँ जाएगा, सीधे ही निकल जाएगा। और अब आप क्या कीजिए, अब आप उसी ओपनिंग को कर दीजिए बहुत छोटा सा। ठीक है, बहुत छोटी सी ओपनिंग दीजिए यहाँ पे, ये है केवल ओपनिंग ये, और आप डालिए पानी। अब आपको क्या दिखेगा, जैसे ही आप पानी डालेंगे, ये पानी जैसे ही यहाँ से निकलेगा ना, इस ओपनिंग से इधर की तरफ, ये सीधे बहुत कम जाएगा, जाएगा जरूर सीधे भी, लेकिन मैक्सिमम ये अब इधर फैलेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ कर, ये एक्चुअली में प्रूफ है कि लाइट वेव की तरह चलती है, राइट। तो आपने पानी को देखा है, पानी कैसे जाता है, पानी फैल जाता है, राइट, वेव फैल जाती है। आप लाइट को पार्टिकल मान के इस बिहेवियर को नहीं समझा सकते। ठीक है, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, ये तीन फिनोमिना ऐसे हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि लाइट वेव तो है ही। ठीक है, वो पार्टिकल है, बिल्कुल है, क्योंकि अब आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली है तो आपको पता है कि लाइट पार्टिकल भी है, अदरवाइज आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पाएंगे, आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा पाएंगे, प्लैंक की लॉ, आप कॉम्पटन इफेक्ट नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो लाइट को आपको पार्टिकल तो मानना ही पड़ेगा, एनर्जी का पार्टिकल, लेकिन अगर आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझाना है, तो देन यू हैव टू थिंक ऑफ लाइट एज वेव ऑल्सो। ठीक है, तो लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो ये डिफ्रैक्शन हो क्या रहा है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट इन द डायरेक्शंस विच आर नॉट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये है पॉइंट मेरा, अब चलते हैं आगे। ओके, तो बोल रहा है कि लाइट इज डेविएटिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, एंड एंटर्स द रीजन दैट वुड अदरवाइज बी शैडोड। तो वही वाली बात हो रही है कि लाइट क्या कर रही है, कि आपने ओपनिंग दी तो यहाँ पे स्क्रीन लगी है, तो इस लाइट को सीधे बस यहीं पे आना चाहिए था, राइट, लेकिन ये यहाँ भी मिलेगी आपको, लाइट इधर भी मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये बेंड हो गई है, मुड़ गई है, मुड़ के पहुँच रही है इस तरफ। ठीक है, इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, तो इसको वो डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब रियल दुनिया में, अच्छा, तो पॉइंट ये है कि दिस डाइवर्जेंस, द डाइवर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स इनिशियल लाइन ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यू हैव टू पुट दिस लाइन इन द स्टार्ट। ठीक है, ये इसकी डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, उसके बाद आप फिगर बनाइएगा, लैम्डा और डी के रिलेशन दिखा दिखा के समझाइएगा कि कब डिफ्रैक्शन कम हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, कब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ओके, अब जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है वो बनता कैसा है। ठीक है, तो देखिए ये डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न यहाँ बना है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए लाइट आ कहाँ से रही है, तो ये लाइट एक्चुअली में जो डिफ्रैक्शन का ऐसा पैटर्न बनाएगी वो सामने से आ रही है, यानी जहाँ आप बैठे हैं ना, जिस जगह पे आप बैठ के इस स्क्रीन को देख रहे हैं, वहां पे एक छोटी सी स्लिट है और वहां से लाइट निकल के आई है और इस पोर्शन पे पहले आई है, ये पोर्शन तो उसका स्ट्रेट लाइन मोशन से आ रही है, तो जैसी आपकी आंखें इस पे इस समय टिकी हुई हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी आंखें ही वो स्लिट हैं जहाँ पीछे से, आपके सिर के पीछे से लाइट आई है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए सबसे पहले तो उसने ये सेंटर का स्पॉट बनाया। ठीक है, ये वाला,
ओके। उसके बाद एक मिनिमा आया हुआ है, ये ब्लैक सा है, ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन ब्लैक है, इधर भी एग्जैक्टली ब्लैक है। उसके बाद फिर दूसरा ब्राइट स्पॉट है ये वाला, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, यानी सेकंड ब्राइट है। उसके बाद ये सेकंड डार्क स्पॉट आ गया है, ठीक है, ये ब्लैक जो आ रही है लाइन है, ये वाली लाइन, ये सेकंड ब्लैक या सेकंड डार्क है या सेकेंडरी मिनिमा है, ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा यहाँ ये वाली ब्लैक थी। फिर आप अच्छा देखिए, ये सेंट्रल मैक्सिमम कहलाएगा, ठीक है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, आगे भी बताऊंगा। तो देखिए फिर से लिखता हूँ मैं, बीच में क्या है आपके, सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, ये मैं जब भी ब्राइट को बोलूंगा तो मैक्सिमा बोलूंगा और डार्क को बोलूंगा तो मिनिमा बोलूंगा, तो बीचों बीच में क्या बनता है, सेंटर मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा, यानी कि ये डार्क लाइन जो बनी है दोनों तरफ है इसके, ठीक है, कम दिख रही है पर है यहाँ पे, ओके। उस तो ये फर्स्ट मिनिमा है, उसके बाद क्या है, ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है, यानी सेकेंड मैक्सिमा बना है, ये तो सेंट्रल का है, ठीक है, ये फिर आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो मैक्सिमा बनेंगे उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे, और उनमें से ये पहला है, ठीक है। अच्छा, डार्क का पहला ये हो चुका है, तो ये फर्स्ट डार्क हो चुकी है, ये फर्स्ट ब्राइट है या फर्स्ट मैक्सिमा है, लेकिन कौन सा वाला, सेकेंडरी वाला, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद क्या आ रही है, ये डार्क लाइन आई है, इनको हम क्या बोलेंगे, तो ये आपका सेकेंड मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा था, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा था, फिर आया सेकेंडरी मिनिमा, उसके बाद क्या आएगा, फिर ये वाला आएगा, इसको मैं क्या नाम दूंगा, तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा था, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब तरह का नॉमेनक्लेचर है, पर हमारी मजबूरी है इसको करना, क्योंकि ये बहुत स्पेशल चीज है, तो इसको हमने अलग नाम दिया हुआ है, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमम, ये जो बीचों बीच में, ठीक है, यही डोमिनेट करता है, तो इसका नाम ही अलग है, सेंट्रल मैक्सिमम है, ओके। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी जो लाइट आई वो बीचों बीच में बहुत ज्यादा हो और फिर इधर इधर जाते समय कम होती जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो रहा। हो क्या रहा है, यहाँ पे भी एक इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है, लाइट फैली तो है, ठीक है, लाइट तो फैली तो है, लेकिन फैली ऐसी नहीं है कि बीचों बीच में बहुत ज्यादा हो और फिर इधर आते आते कम होती जाए, नहीं, लाइट फैलते समय इंटरफेरेंस भी कर रही है, ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न मिल रहा है आपको, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। केवल लाइट फैली नहीं है, ठीक है, स्लिट से बाहर निकल के लाइट, ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से स्लिट लगाई आपने तो लाइट फैल गई इधर की तरफ और पूरी स्क्रीन पे दिखने लग गया, ये पूरी स्क्रीन ही ऐसी हो गई, ना ना ये नहीं हो रहा, बहुत स्पेशल पैटर्न बन रहा है जो कि कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है, तो हमको इसको देखना है कि ये पैटर्न क्यों बना। ओके, तो यही चीज बोल रहा है कि हमको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में डार्क एरिया जो है भी दिखेंगे, ठीक है, और आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न भी दिखेगा। तो पैटर्न है कैसा कि सेंटर में आपकी इंटेंस सेंटर बैंड है, इंटेंस माने इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसको सेंट्रल मैक्सिमम नाम देंगे, इसको नाम देंगे सेंट्रल मैक्सिमम, और ये फ्लैंक्ड है, यानी इसके अगल बगल में कौन खड़े हैं, तो फ्लैंक्ड माने होता है जैसे आर्मी में आप फ्लैंक्स होते हैं आपके, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, तो इसको इसके अगल बगल में फ्लैंक, ये फ्लैंक्ड है, अगल बगल में कौन लोग हैं, इसके लेस इंटेंस एडिशनल बैंड्स हैं जिनको भी साइड मैक्सिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, और डार्क बैंड है जिनको हम सिंपली मिनिमा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके ओके ठीक है, तो ओके ठीक है, तो एक्चुअली जब आप लोग एंट्री लेते हैं ना, तो उस समय मुझे अपनी पेन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और माउस को फिर से पॉइंटर को सेलेक्ट करना पड़ता है, और फिर वो जूम की ये प्रॉब्लम है,
कि फिर वो एक बार आपने कोई कोई भी इसमें एनोवेशन में से कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको उसको बंद करके ही दोबारा से पेन सेलेक्ट होता है। ठीक है, ओके। तो आप देखिए, ये है हमारे पास इसका बेसिक सेटअप। ठीक है, तो एक मेरे पास यहाँ से लाइट आ रही है, इनकमिंग वेव है ये। ठीक है, और मेरे यहाँ पे मैंने एक स्लिट दी हुई है, ओपनिंग दी हुई है, बाकी मैंने लाइट रोक दी है। तो होगा क्या कि मुझे ये पैटर्न मिल रहा है। तो इस पैटर्न को देखिए, अगर आप उस स्लाइड की बात करें जो पीछे वाली स्लाइड थी, उसमें ये सेंट्रल मैक्सिमम है मेरा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट डार्क है। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा है। ठीक है, ये मेरा सेकंड वाला क्या है, इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है मेरा, ये है मेरा सेकंड मिनिमा। किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक का, ये जो डार्क पोर्शन है। उसके बाद ये हल्का सा दिख रहा है जो, ये मेरा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है। ठीक है, और उसके बाद ये फिर इंटेंसिटी बहुत कम हो रही है तो ये दिखा नहीं रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अब इस इंटेंसिटी को, यहाँ जितनी लाइट आई है इस एरिया में, उसको ये कैसे दिखाता है, ये ऐसे दिखाता है इसको ऊपर की तरफ करके। ठीक है, यहाँ पे लाइट कम आई है तो उसने इसको थोड़ा छोटा दिखाया है, यहाँ पे बहुत कम आई है तो उसने इसको और छोटा दिखाया है। तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं इस डाइग्राम में। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरफ इंटेंसिटी दिखा रहा है, जितना ऊपर आप इस तरफ हैं उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। ठीक है, इस डायग्राम में इस तरह से वो दिखाते हैं। अच्छा, सेंटर पॉइंट को अगर आप ओ मान लें, तो यहाँ से अलग अलग एंगल्स पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है, कि यहाँ पे मिनिमा बनेगा कि मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो जैसा हमने यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था, वैसा ही मैथमेटिकल हम यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा एक अंतर आएगा कि जो वहाँ पे मिनिमा की कंडीशन थी वो मैक्सिमा की बनेगी, और जो मैक्सिमा की थी वो मिनिमा की बनेगी। ठीक है, तो YDSE में, यानी यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स हमारे थे, जैसे कि क्या था, तो मैं एक बार देखता हूँ कि मुझे याद है कि नहीं। तो YDSE में मैंने देखा था कि मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हुआ था, जब मेरा डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस कितना था, एन टाइम्स लैम्डा के बराबर था, राइट, जहाँ की एन इक्वल्स टू 0, 1, 2 और इस तरह से था। और YDSE में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हुआ था, जब मेरा पाथ डिफरेंस 2n+1 एंड लैम्डा बाई 2 था, राइट। और यहाँ पे भी मैं n को 0, 1, 2, 3 ले सकता हूँ। तो ये YDSE की कंडीशन थी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिफ्रैक्शन में मुझे इसका उल्टा दिखने वाला है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है कि उल्टा हो जाता है ये, जैसे कि थिन फिल्म वाले में भी आपने देखा था कि कंडीशंस उल्टी हो गई थी, टूटी जो था वो उल्टा आ रहा था, राइट। न्यूटन रिंग में भी आपने देखा था कंडीशंस उल्टी हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिफ्रैक्शन में ही हो रहा है, और जगह पे भी हमने देखा था कि डिपेंडिंग ऑन कि हम किधर से व्यू कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन वाले को व्यू कर रहे हैं या ट्रांसमिटेंस वाले को व्यू कर रहे हैं न्यूटन रिंग में। तो अगर आप ट्रांसमिटेंस वाली न्यूटन रिंग देखते तो YDSE की तरह ही चलती है उनकी, टूटी का कंडीशन जो है वो ऐसी ही चलती है जैसी YDSE की है। लेकिन हमने क्या किया था, हमने रिफ्लेक्शन वाले केस देखे थे। ठीक है, हम ऊपर से देख रहे थे जब लाइट टकरा के नीचे और फिर हमारी आंखों में वापस आ रही थी, तो वहां पे आपका जो पैटर्न बना था वो YDSE से उल्टा बनता है। ठीक है, तो आप, आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, डिफ्रैक्शन में क्या होने वाला है, ये उल्टा होने वाला है, जो YDSE के लिए अभी कंडीशंस मैंने लिखी थी उससे उल्टा होगा। तो अभी देखते हैं कि क्यों होगा। ओके, फिर ये देखिए, ये ऑब्जर्विंग स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे मैं पैटर्न देख रहा हूँ और ये दूर है स्लिट से। ठीक है, और ये इसलिए किया गया है ताकि ये जो रेज यहाँ से पहुँच रही हैं ये ऑलमोस्ट पैरेलल्स हैं, पैरेलल रेज हैं। ठीक है, तो अगर ये ले रेज पैरेलल नहीं है तो फिर जो आपके कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी कठिन हो जाएंगे और फिर वो फ्रेनल डिफ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कर रहे हैं, जहाँ की या तो व्यूइंग स्क्रीन इस स्लिट से काफ़ी दूर है, ठीक है, ये जो डी डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो, या एक और तरीका भी है मेरे पास इसको करने का कि मैं यहाँ पे एक लेंस लगा दूँ और जितनी भी रेज जा रही हैं उनको पैरेलल भेजूँ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। फिर
द सिचुएशन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड एक्सपेरिमेंटली बाई यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस टू फोकस द पैरेलल रेज ऑन ए नियर बाई स्क्रीन। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ ये अभी आपको नेक्स्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके तो हम फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या करते हैं, या तो स्क्रीन से ऑब्जर्व स्लिट से स्क्रीन को दूर रखते हैं, या फिर बीच में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो हम मोस्टली कॉन्वेक्स लेंस ही लगाते हैं क्योंकि वही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत दूर नहीं ले जा सकते स्लिट और स्क्रीन को। ओके तो ये कर रहे हैं हम, ये हमने किया क्या कि यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है। ओके तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इससे होता क्या है कि ये आपकी ज़्यादातर रेस को ऑलमोस्ट पैरेलल डायरेक्शन में भेज देता है, ठीक है। तो आप उनके थीटा को, या आप ये कहिए कि जिन जिन रेस के थीटा सेम थे, ठीक है, उनको वो एक ही प्लेस पे भेजेगा। ये देखिए यहाँ हो रहा है, ठीक है। ओके तो इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अब हमने किया क्या है, स्लिट को बड़ा करके दिखाया है आपको, ठीक है। तो यहाँ इस पोर्शन तक हम जब स्लिट की बात कर रहे थे तो ये स्लिट आपको बहुत छोटी सी दिखाई जा रही थी। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये स्लिट, ये बहुत छोटा सा दिखाया जा रहा है इसको। इतनी बड़ी स्लिट है आपकी, केवल ये डिस्टेंस आपके स्लिट का डिस्टेंस है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट फिगर में मैं इसको दिखाऊंगा तो मैं स्लिट को बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वहां पे कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो ये कह रहा है कि अगर मैं स्लिट को बड़ा करके देखूं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की मेरी स्लिट की डिस्टेंस है, जिसको ये यहाँ डी लिख रहा है, आगे चल के ये इसको ए लिखेगा शायद, चलिए देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट के यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हाइगन्स के हिसाब से वेव फ्रंट का हर पॉइंट ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि वो खुद एक सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स की तरह, ठीक है। और फिर ये अपना वेवलेट जनरेट करता है, और फिर वेवलेट्स का जो एनवेलप होता है वो फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट को जनरेट करता है। तो अगर हम हर पॉइंट को एक सेकेंडरी सोर्स मान लें, ठीक है, स्लिट का जो जितना भी पॉइंट है उसको सेकेंडरी सोर्स मान लें, तो ये अपने अपने वेवलेट जनरेट करेंगे, और फिर ये नया वेव फ्रंट इनके उससे बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जब इसको आप बनाओगे ना तो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और फिर इसके हर पॉइंट से खुद भी वेव निकलेगी, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा वेव फ्रंट, ठीक है। और इस समय ये वेव फ्रंट एक्चुअली में जो सेकेंडरी बना रहा है ना, इनसे भी बन रही है, तो ये वेव इसलिए स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। इसके वेव फ्रंट को, ये नया वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, इधर से भी यही होगा, ठीक है, और फिर ये इंटरफेरेंस भी करेंगे एक दूसरे से। हर वेवलेट जो यहाँ से निकल रही है हर सेकेंडरी सोर्स से, वो इंटरफेरेंस भी करेगी, इसलिए इवेंचुअली आपको इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलेगा। अगर वो इंटरफेरेंस नहीं करते आपस में, फिर तो आपको ये ऐसे फैलती हुई वेव मिलती, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, जब ये फैल रही है तो ये अलग अलग वेव जो हैं ये इंटरफेरेंस भी कर रही हैं, तो अलग अलग स्पॉट्स पे आपको डार्क या ब्राइट अलग अलग तरीके से दिखेगा। तो उसकी मैथ अभी हम देखने जा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा इस स्लिट के ओपनिंग में, ठीक है। तो कह रहा है कि हेंस लाइट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द स्लिट कैन इंटरफेयर विद लाइट फ्रॉम अनदर पोर्शन एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन थीटा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इससे जो वेव निकलेगी, ठीक, और इस वाले पॉइंट से जो वेव निकलेगी, ये जब यहां पहुंचेंगे बड़ा होते होते इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तो इस ये जो नीचे वाली है इसको मैं ब्लू से करता हूं, ये मान लीजिए इस पॉइंट की वजह से जो वेव पहुंच रही है, ठीक है, वो भी पहुंचेगी उस पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ पे ये रेड और ब्लू मिला के क्या करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे ब्लैक बनेगा, डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, ठीक है। तो इस पी पॉइंट का उदाहरण लिया है इन्होंने, एग्जांपल इस पी पॉइंट को ले रहे हैं हम, इस पी पॉइंट के लिए जैसे कि हमने ये YDSC में यंग वाले में सॉल्व किया था, यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि यहाँ पे डार्क बनेगा तो क्या कंडीशन होगी, थीटा कितना होना चाहिए जब यहाँ डार्क बने, और अगर यहाँ पे ब्राइट बन रहा है तो थीटा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा
मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका, जिसको अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। ओके ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन है पर आई होप कि आप इसको ट्रैक कर लेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस स्लिट को, ठीक है, अब मैंने इसको टोटल को ए माना है, ठीक है, डी नहीं माना है मैंने, क्योंकि डी डी मानूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा यंग डबल स्लिट वाले की तरह, ठीक है। तो मैं इसको ओपनिंग को ए मान रहा हूँ, ठीक है, मैं उस स्मॉल डी से अलग मान रहा हूँ। इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी मान रहा हूँ, चलिए अभी बाद में देख लेंगे इसको भी क्या लिया है उसने। अभी मैंने ओपनिंग को ए माना है और इसको दो भागों में बांट दिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने किया क्या है, स्लिट को दो भागों में बांटा है और मैंने कहा ऊपर का हिस्सा ए बाई टू डिस्टेंस है और नीचे का हिस्सा भी ए बाई टू है, ठीक है। और मैं इस पी पॉइंट की बात कर रहा हूं कि यहां पे, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक। अच्छा तो मान लीजिए कि ये ए बाई, ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस ए है स्लिट का, ठीक, अगर इस कोने से लाइट जाती और इस टॉप से लाइट जाती, ठीक है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक इस स्लिट का डिस्टेंस, ठीक है, ओपनिंग, तो इन दोनों वेव्स के बीच में, इस ऊपर वाली और इस वाली जाने वाली वेव के बीच में, ये जो पाथ डिफरेंस आता ये कितना आता, अगर ये डिस्टेंस ए है तो हमने इसको निकाला था, ये आता ए का साइन थीटा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि अगर ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, और मैं स्टॉप से जो लाइट पहुंची है और नीचे वाले पॉइंट से, लास्ट पॉइंट से जो लाइट पहुंची है, इन दोनों को अगर देख रहा होता तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आता, तो ये आता पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस कितना होता, तो जैसे वहां डी साइन थीटा आया था, यहां पे क्या आता, ए साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होना था, जैसा यंग डबल स्लिट में हमने निकाला था, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैं एक्चुअली में अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर नीचे वाली की बात करता, ठीक है, तो ये जो रे आती, इसकी वजह से ये जो पार्ट डिफरेंस आता, ये आता ए का साइन थीटा, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच में पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा है, तो फर्स्ट और मिडिल वाले के बीच में कितना डिफरेंस होता, वो होता ए बाई टू साइन थीटा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऊपर इस स्लिट की ओपनिंग को दो भागों में बांट दिया है, ठीक है, ऊपर मैंने चार पॉइंट सेलेक्ट किए हैं केवल, एक दो तीन और ये चौथा पॉइंट, ठीक है, नीचे भी मैंने केवल चार ही पॉइंट मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट जो कि सेकंड हाफ का सबसे टॉप वाला पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों